नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आप सभी के साथ में प्लस वन की फिजिक्स को लेकर के फिर से जुड़ा हूँ। अपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसका, और अपने जो लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का पढ़ रहे हैं वो अपना है मापन और मापन में त्रुटियाँ, मापन में शुद्धता और त्रुटियाँ जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और त्रुटियों के बाद में अपने सार्थक अंक और अंकों को पूर्णांकित करना, ये चैप्टर बस ये टॉपिक बचते हैं, ठीक है। तो अपने पढ़ रहे थे मापन में त्रुटियां, और त्रुटियों के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो अपने वास्तविक मान और मापित मान का अंतर होता है उसे अपने क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और मैंने कुछ आपको त्रुटियाँ बताई थी, एक तो बताई थी क्रमबद्ध त्रुटियाँ, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, और एक आपको बताई थी मैंने यादृच्छिक त्रुटियाँ, यादृच्छिक त्रुटियाँ, और एक मैंने आपको इसमें बताई थी स्थूल त्रुटियाँ। ये तीन प्रकार की त्रुटियाँ जो है ये मैंने आपको बताई थी। और अपने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपने पढ़ रहे थे क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में। क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर आप लोग जो पढ़ रहे थे वो था उपकरण के कारण, उपकरण के कारण होने वाली त्रुटियाँ, ठीक है। और उपकरण के कारण होने वाली त्रुटियों के अंदर मैंने आपको एक तो शून्यांक त्रुटि के बारे में बता दिया था, और एक मैंने आपको बता दिया था अंशांकन के बारे में, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा ये बता देता हूँ और फिर अपने आगे शुरू करते हैं। त्रुटियों का मतलब था अपने जो वास्तविक मान है उसमें से मापित मान को घटा देना। वास्तविक मान अपने पास में कुछ होता नहीं है, इसलिए अपने क्या करते हैं औसत निकाल लेते हैं, और उसी औसत को अपने क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। और त्रुटियां अपने तीन प्रकार की पड़ी थी, ये मापन के अंदर आने वाली त्रुटियाँ, एक क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटियाँ। इसकी जो पहले प्रकार की त्रुटियाँ हैं उन त्रुटियों को अपने पढ़ रहे थे। ये त्रुटियाँ अपने चार पाँच प्रकार की देखी थी। तो अपने इसके अंदर फर्स्ट जो टाइप था वो था उपकरण के कारण होने वाली त्रुटियाँ, इसकी अपने बात कर चुके थे। एक तो थी शून्यांक त्रुटि और एक थी अंशांकन त्रुटि। शून्यांक त्रुटि का मतलब था कि जो अपना उपकरण है उसका शून्य जो है वो ठीक पोजीशन पर ना हो करके थोड़ा आगे पीछे हो, या फिर पठ्यांक जो है वो शून्य नहीं बता रहा हो, यानी किसी और पठ्यांक पर वो सेट हो, वो कौन सी त्रुटि होती है, शून्यांक त्रुटि होती है। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो थी अंशांकन त्रुटि। अंशांकन जो त्रुटि अपने पढ़ रहे थे उस त्रुटि का मतलब था कि जो स्केल है उसके ऊपर अंश का जो अंकन है, जो अंश अपने बनाते हैं उनका जो अंकन है, यानी जो खाने अपने अपने स्केल पर देखा हुआ लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, अगर उनको आगे पीछे लिख दिया जाए तो वो जो त्रुटि होती है वो कौन सी त्रुटि होती है, अंशांकन के कारण होने वाली त्रुटि होती है। दूसरी अपने अगर त्रुटि की बात करें तो वो होती है तकनीक में अपूर्णता के कारण, और एक मैंने आपको इसमें पूर्णता की त्रुटि भी बताई थी। और इसके अलावा अपने बाह्य त्रुटियां और व्यक्तिगत त्रुटियां भी देखी थी, बाह्य और व्यक्तिगत त्रुटियां। तो ये पांच प्रकार की जो त्रुटियां हैं इनकी अपने बात कर रहे थे। ये ऐसा नहीं है कि चार प्रकार पांच प्रकार, कुछ एक त्रुटियां होती है बस ये व्यक्तिगत त्रुटियां, पर ये जो इस साइड लिखी हुई है ना इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। ये त्रुटियां तीन प्रकार की होती है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। क्रमबद्ध के अंदर अपने कुछ एक प्रकार की त्रुटि आती है, आप सीधा लिख सकते हो या आप इस प्रकार से पॉइंट बनाकर भी इसमें लिख सकते हो। तो तकनीक में अपूर्णता की बात अगर की जाए तो तकनीक में अपूर्णता जो होती है वो होती है जो व्यक्ति करवा रहा है उसकी वजह से। यानी अगर मापन की बात की जाए, अगर किसकी बात की जाए, मापन की बात की जाए, और मापन कोई ना कोई व्यक्ति करता है, जब कोई व्यक्ति मापन करता है यदि उसकी तकनीक में कमी हो, जो व्यक्ति मापन कर रहा है उसकी तकनीक में क्या हो, कमी हो, यानी उसे पता ही नहीं हो कि ये उपकरण जो है इसको किस प्रकार से काम में लेना है। यानी अपने जैसे प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल को आप बोल सकते हो मापन, तो प्रैक्टिकल के अंदर जो व्यक्ति करवा रहा है यदि उसे पता ही नहीं है कि उपकरण किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से अपने इसको सेट करना है, शून्य, देखो ये तो उपकरण के अंदर थी, ठीक है, और तकनीक में अपूर्णता का मतलब हो गया जो व्यक्ति करवा रहा है उसको अगर नहीं पता हो कि इसे करवाना कैसे है, या टेक्निक उसके पास में ठीक नहीं हो। जैसे
अब मान सकते हो कि कोई प्रैक्टिकल करवा रहा है और प्रैक्टिकल तो वो करवा रहा है परंतु खुद को उसको नहीं पता हो कि किस तकनीक के द्वारा आपने उसे करवाना है, यानी व्यक्ति की तकनीक में अपूर्णता की वजह से जो त्रुटि होती है वो कौन सी त्रुटि के अंदर आती है, क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर आती है। यानी जो व्यक्ति करवा रहा है अगर उसकी खुद की तकनीक में अगर किसी प्रकार की कमी हो तो वो कौन सी त्रुटि आएगी, वो आएगी तकनीक में अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटि। जैसे आप लोग ये मान सकते हो, जैसे मैंने आपको वर्नियर के बारे में बताया था और मैंने आपको पेच मापी के बारे में बताया था, जो वर्नियर और पेच मापी को जो व्यक्ति काम में ले रहा है उसको रियल में पता ही नहीं हो कि ये कैसे आगे पीछे खिसकाना है, इसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात करना है, तो उस समय वो कहाँ रख रहा है उसे, कौन सा गहराई ज्ञात करने के लिए है, कौन सा व्यास ज्ञात करने वाला है, कौन सा बार की साइड से ज्ञात कर रहा है, अगर उसे खुद की तकनीक में कमी हो तो वो कौन सी त्रुटि आ जाती है, वो आ जाती है तकनीक में अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटि। तीसरी जो इसके अंदर अपनी त्रुटि लिख रखी है वो है पूर्णता की वजह से होने वाली त्रुटि। इस त्रुटि का मतलब ये हुआ कि ये वो त्रुटियाँ होती है जिनका कारण अपने को पता होता है, इन त्रुटियों का कारण अपने को पता होता है पर अपने इन त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते। यानी वो त्रुटियां जिनका कारण तो अपने को पता हो परंतु अपने उन कारणों को दूर नहीं कर पाते, वो कौन से प्रकार की त्रुटियां आ जाती है, पूर्णता के अंदर होने वाली त्रुटियां आ जाती है। जैसे जो बाह्य त्रुटियां अपने बात करेंगे लगभग उसी के जैसे ही होती है, ठीक है। तो बाह्य त्रुटियाँ भी देख लो साथ के साथ। बाह्य त्रुटियाँ वो होती है जो त्रुटियाँ बाह्य कारकों की वजह से होती है, यानी बाहर की वजह से जो त्रुटियां होती है वो बाह्य त्रुटियां होती है। और पूर्णता की त्रुटियां कौन सी होती है, वो त्रुटियां जिनका कारण पता हो और अपने उसे दूर नहीं कर सकते। तो पूर्णता की त्रुटियां में कौन कौन सी आ जाती है, जैसे आपको पता है कि आप किसी गर्म वस्तु का क्या कर रहे हो, मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जैसे आप किसी गर्म वस्तु का क्या कर रहे हो, ताप का मापन कर रहे हो, या आप किसी ठंडी या शीतल वस्तु के ताप का क्या कर रहे हो, मापन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी को घुमा करके उसके वेग का मापन कर रहे हो। तो अपने बात कर रहे हैं गर्म और ठंडी वस्तुओं के ताप को ज्ञात करना। आप लोगों ने क्या किया, ठंडी वस्तु का ताप ज्ञात करना आपने शुरू किया, आपने देखा कि जैसे जैसे आप उसका ताप ज्ञात कर रहे हो, आपने पहली बार ताप ज्ञात किया, थोड़ी देर बाद में आपने ताप ज्ञात किया, तो आपको बिल्कुल पता है कि जो गर्म वस्तु है वो, ये तो है नहीं कि आप उसे उतार करके साइड में रख दोगे, जो वस्तु उसे गर्म कर रही है, जो स्रोत है उसे हटा करके आपने उसे क्या कर दिया, अलग रख दिया। अब जैसे ही आपने उसे अलग रखा तो आप एक मिनट बाद ताप ज्ञात करोगे, दो मिनट बाद ताप ज्ञात करोगे, तो ऊष्मा वगैरह की वजह से वहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी, ठीक है, उस जगह पर ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इस हानि की वजह से हर बार आपका जो पाठ्यांक है वो क्या आएगा, अलग आएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार ठंडी वस्तु जो है धीरे धीरे इसके तापमान में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। जैसे 0 से 1, 2, 3 यानी कमरे के ताप तक आने की कोशिश करेगा तो यहाँ भी क्या होगी, वस्तु जो है उसका ताप जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी त्रुटियाँ होती है जिनका कारण अपने को पता है कि वस्तु जो गर्म हो रही है उसको अपने स्रोत से हटा करके रख दिया तो इसके ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब अगर आप उसे फिर से गर्म कर दोगे तो ताप उसका वैसे ही बदल जाना है, तो फिर से गर्म भी नहीं कर सकते और अपने उसे रोक भी नहीं सकते। हर बार जब आप लोग उसका पाठ्यांक नोट करोगे तो वहाँ पर आपका पाठ्यांक क्या आएगा, अलग आएगा। ये जो त्रुटियाँ होती है ये कौन सी त्रुटियाँ होती है, ये आपकी पूर्णता की वजह से होने वाली त्रुटियाँ होती है। बाह्य त्रुटियों के अंदर कौन सी त्रुटि आ जाती है, बाह्य त्रुटियों के अंदर वो त्रुटियां आ जाती है जिनकी जो बाह्य कारक आपको प्रभावित करते हैं। जैसे आप जहां प्रयोग कर रहे हो, जहां मापन कर रहे हो, वहां पर कुछ बाह्य स्रोत ऐसे हो जो आपके प्रयोग को क्या कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो। जैसे आप लोग ध्वनि वगैरह को सुनने की कोशिश कर रहे हो, उसका मापन करने की कोशिश कर रहे हो और बाहर की साइड जो दूसरे प्रकार की साउंड है वो आपको क्या कर रही हो, परेशान कर रही हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, कहीं पर तापमान वगैरह ज्ञात कर रहे हो परंतु धीरे धीरे वातावरण का ताप भी क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। आपने सुबह पाठ्यांक ज्ञात किया, उसमें थोड़ी ठंड थी, आपने बाद में ज्ञात किया थोड़ा गर्म मौसम हो गया, तो वो जो सारे बाह्य कारक है वो किसके अंदर आ जाते हैं, बाह्य त्रुटियों के अंदर आ जाते हैं। देखो इनका अपने को कारण पता होता है पर अपने दूर नहीं कर सकते, और बाह्य जो अपनी त्रुटियाँ होती है वो आती है बाह्य वातावरणीय कारकों के कारण। एक इसके अंदर आता है व्यक्तिगत त्रुटियों के अंदर कौन सी त्रुटि आती है, इसके अंदर वो सारी त्रुटियाँ आ जाती है जो व्यक्ति के वजह से होती है। यानी अपना उपकरण भी ठीक है, व्यक्ति की तकनीक भी ठीक है, परंतु व्यक्ति की असावधानी की वजह से जो त्रुटियाँ आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, व्यक्तिगत त्रुटियाँ आ जाती है। हालांकि अपने इसे स्थूल त्रुटियों में भी पढ़ते हैं व्यक्तिगत त्रुटियों को भी, पर स्थूल त्रुटियों में अपने मापन के रूप में उसे पढ़ते हैं। तो ये जो अपने सारी त्रुटियाँ आती है ये कौन सी त्रुटियाँ आती है, क्रमबद्ध त्रुटियाँ आती है। देखो आपको पूछा जाए क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती है, तो आपको ये जो दो है ये तो आपको बिल्कुल अलग बताने हैं, उपकरण के कारण होने वाली और तकनीक में अपूर्णता के कारण होने वाली। उसके बाद में आपको ये बतानी है पूर्णता के त्रुटियाँ, इसके अंदर ही आप लोग
ये लिखने के बाद में बाह्य त्रुटियाँ, और इसको आप लोग साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप चाहो तो इसको एक दो पॉइंट बना करके लिख सकते हो, या फिर आप इसे एक साथ सभी को लिख सकते हो, पर कम से कम ये आपको जरूर याद रखना है, उपकरण के कारण और तकनीक में अपूर्णता के कारण। हालांकि ऐसा होगा तो नहीं कि एग्जाम में आपको सीधा पूछ लिया जाए कि पूर्णता के कारण त्रुटियाँ किस प्रकार की हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये वो त्रुटियाँ होती है जिनका कारण अपने को पता होता है पर अपने उसे दूर नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो यादृच्छिक त्रुटियों की अपने बात, यादृच्छिक त्रुटियों की बात अपने करते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा यही आता है कि त्रुटियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए, फिर आपको एक लगातार एक साथ ही लिखना होता है। तो यादृच्छिक त्रुटियाँ यानी दूसरे प्रकार की अपनी कौन सी त्रुटियाँ हैं, दूसरे प्रकार की त्रुटियाँ हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ। यादृच्छिक त्रुटियाँ देखो कौन सी होती है, ये बिल्कुल शुरुआत की बात जो मैंने आपको बताई थी वही है कि आप लोग क्या कर रहे हो, किसी एक वस्तु का पठ्यांक ज्ञात कर रहे हो, आप फिर से उसका पठ्यांक ज्ञात कर रहे हो, उसके बाद में आप फिर से उसका पठ्यांक ज्ञात कर रहे हो। तो मान लो आप किसी का या तो वजन तोल रहे हो या आप किसी का मापन कर रहे हो, तो प्रारंभिक पठ्यांक A1 आया, उसके बाद में A2 आया, उसके बाद में A3 आया, उसके बाद में A4 आया, A5 आया, A6 आया, और इस प्रकार से आपके पास में पठ्यांक आते हैं। यानी आप जब किसी का पठ्यांक ज्ञात करते हो, यानी जब आप किसी का मापन करते हो, और मापन करने के बाद में आप लोग फिर से क्या करते हो, उसका मापन करते हो, ठीक है। तो उस समय जो मापन में क्या रह जाती है, त्रुटियां रह जाती है। एक मैं आपको बता दूं कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब अपने त्रुटि की बात करते हैं तो अपने काफ़ी लंबी जो ये टर्म है काम में लेनी होती है, जैसे 1.232, ठीक है, आप वज़न तोल रहे हो तो कितना आ रहा है, किसी का मान लिया ये आ रहा है 1.232, तो फिर से आपने वज़न ज्ञात किया तो वो इतना आ जाए, या फिर 1.231 आ जाए। तो इस प्रकार के जो पठ्यांक है ना, वो किस प्रकार के पठ्यांक होंगे, वो त्रुटिपूर्ण पठ्यांक होंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मापन करते हैं हर बार नए पठ्यांक तो नहीं आते, तो हर बार नए पठ्यांक आते हैं अगर आप लोग उसे काफ़ी आगे तक गणना करो, यानी दशमलव के बाद में आप 2-3 पॉइंट तक गणना करोगे ना, तब वहाँ पर क्या आएगी, त्रुटियाँ आएगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने एक बार वजन तोला 1 किलो आ गया और फिर आपने तोला तो 2.2 आ गया, ये तो है नहीं, ये तो अपना फिर मापन ही नहीं है। तो मापन में त्रुटियाँ जो आ रही है वो दशमलव के 1-2 अंक के बाद में जो अपने सूक्ष्म जो अपने गणनाएँ करते हैं वहाँ पर क्या आती है, त्रुटियाँ आती है। तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। तो अपने बात कर रहे थे यादृच्छिक त्रुटियों की, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जब आप लोग किसी का मापन करते हो तो हर बार आपको क्या प्राप्त होता है, एक नया पाठ्यांक प्राप्त होता है। तो ये जो नए पाठ्यांक है ये आपके क्या प्राप्त हो रहे हैं, हर बार आपको एक नई जो रीडिंग है, नया जो पाठ्यांक आपको प्राप्त हो रहा है, यानी आपके मापन में क्या आ रही है, लगातार त्रुटियां आ रही है। तो इन त्रुटियों के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का इनका मध्य लेना पड़ेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनका मध्य लेना पड़ेगा, यानी इन सबको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर ये एन तक मैं मानूँ तो ये कहाँ तक आ जाएगा, ए एन तक आ जाएगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका जो पठ्यांक आया है ये कौन सा पठ्यांक आया है, ये आपका वास्तविक पठ्यांक आया है। आई बात समझ में, तो वास्तविक पठ्यांक आपको कैसे प्राप्त होगा, आपने जो अलग अलग रीडिंग ली है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस प्रकार की आपने रीडिंग ली है, उन सबको आपने जोड़ लिया और N से आप लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस समय जो आपके पास में पठ्यांक है वो किस प्रकार का पठ्यांक आएगा, वास्तविक पठ्यांक आएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यादृच्छिक त्रुटि का क्या मतलब है, यादृच्छिक त्रुटि का मतलब है आप लोगों ने अलग अलग प्रकार की रीडिंगें प्राप्त की है, आपने हर बार मापन किया है, हर बार मापन में आपको पठ्यांक अलग आ रहे हैं, और आपने सबको क्या किया है, जोड़ लिया है, N से आप लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ये जो आपका पठ्यांक आ गया ये किस प्रकार का पठ्यांक आ गया, वास्तविक पठ्यांक आ गया। और यादृच्छिक त्रुटि का क्या मतलब हुआ, यादृच्छिक त्रुटि का मतलब हो गया कि जितनी बार आप लोग प्रेक्षण कर रहे हैं हर बार आपको एक नए प्रकार की रीडिंग वहाँ पर प्राप्त हो रही है, जैसे पहले A1 फिर A2 फिर A3 A4 A5, तो ये सारे आपके पास में पठ्यांक आ रहे हैं, ये कौन सी प्रकार की त्रुटियाँ आप बोलोगे ने, आप लोगों ने यादृच्छिक त्रुटियाँ बोलोगे, ठीक है। तो ये कौन सी त्रुटि आ गई, आपकी यादृच्छिक त्रुटि आ गई। तीसरा अगर आप देखो तो जो तीसरे प्रकार की त्रुटि आती है वो आती है सथुल त्रुटियाँ। कौन सी त्रुटियाँ आती है, सथुल त्रुटियाँ आती है। सथुल त्रुटियों का मतलब हो गया बड़े बड़े प्रकार की त्रुटियाँ, जैसे आपने सब कुछ ठीक कर लिया, अपना उपकरण ठीक कर लिया, व्यक्ति का तकनीक भी ठीक है, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर असावधानी रख रहा है, व्यक्ति क्या करता है, असावधानियाँ रखता है, और असावधानियाँ किसके अंदर रख रहा है, व्यक्ति मापन का जो पाठ्यांक नोट करना है उस पाठ्यांक के अंदर व्यक्ति क्या कर रहा है, असावधानियाँ कर रहा है।
तो वो जो त्रुटियाँ होगी वो कौन से प्रकार की त्रुटियाँ आ जाएगी, स्थूल त्रुटियाँ आ जाएगी। जैसे व्यक्ति पाठ्यांक नोट करते समय, व्यक्ति जो रीडिंग लिखी हुई है उसको सही तरीके से नहीं लिख पा रहा है, या दशमलव वगैरह की जो स्थिति है उसे अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा है, मात्रक जो सेंटीमीटर मीटर में लिखने थे उनको ठीक प्रकार से नहीं बदल रहा है। जैसे पाठ्यांक जो आपका है वो मान लिया सेंटीमीटर में आ रहा है और अपने उसे मीटर में लिख दिया, या मीटर में पाठ्यांक आ रहा था उसे किस में लिख दिया, सेंटीमीटर में लिख दिया, या डिग्री सेंटीग्रेड माप रहा था स्केल तो और व्यक्ति क्या कर रहा है उसे केल्विन में लिख रहा है, या पैमाना केल्विन में माप रहा है और व्यक्ति उसे क्या कर रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहा है, या ग्राफ वगैरह बनाते समय भी व्यक्ति क्या कर रहा है जिसे एक्स एक्स पर लेना था उसे वाई पर लेकर जा रहा है, जिसे वाई पर लिखना था उसे एक्स पर लिख रहा है। तो ये सारी जो व्यक्ति की असावधानी की वजह से पाठ्यांक नोट करते समय जो त्रुटियाँ आती है वो कौन सी त्रुटियाँ आ जाती है, स्थूल त्रुटियाँ आ जाती है। ठीक है, तो ये अपने त्रुटियों के प्रकार थे, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, यादृच्छिक त्रुटियाँ और स्थूल त्रुटियाँ। इसके बाद में अपने तीन अलग प्रकार की त्रुटियाँ पढ़ेंगे, एक तो अपने पढ़ेंगे परम त्रुटि, फिर अपने पढ़ेंगे अपेक्षित त्रुटि और अपने प्रतिशत त्रुटि। परम त्रुटि के अंदर अपने मध्य परम त्रुटि भी इसके साथ में पढ़ेंगे। तो देखो, तो अपना जो टॉपिक है वो है परम त्रुटि, या इसी के साथ में अपने पढ़ेंगे मध्य त्रुटि, परम त्रुटि या मध्य त्रुटि। देखो अपने पढ़ेंगे परम त्रुटि, इसी के अंदर अपने पढ़ देंगे मध्य परम त्रुटि, और अपने पढ़ेंगे अपेक्षित त्रुटि, और उसके बाद अपने पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटियाँ। ठीक है, ये तीन प्रकार की त्रुटियाँ भी अपने इसमें पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले ये गणना के इसमें गणना अपने त्रुटियों को किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए अपने इन त्रुटियों को काम में लेते हैं। अगर त्रुटियों के प्रकार पूछे जाए तो आपको वही लिखने, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल त्रुटियाँ। इनके बारे में आपको न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकते हैं, जैसे आपको कुछ एक संख्याएं दे दी जाएगी और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि परम त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए, अपेक्षित त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं परम त्रुटि तथा मध्य परम त्रुटि, परम त्रुटि तथा मध्य परम त्रुटि। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, जैसे आपने प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है, सबसे पहले परम त्रुटि की बात करें फिर अपने मध्य आएगा इसका। तो आप लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिकल करना शुरू किया और आपने पाठ्यांक नोट किया, आपके पाठ्यांक मान लिए कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे करते करते क्या आ गया, AN आ गया। ये आप लोगों के क्या आ रहे हैं, पाठ्यांक आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जब भी अपनी त्रुटि ज्ञात करते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको वास्तविक मान पता होना चाहिए, आपको वास्तविक मान पता होना चाहिए। और वास्तविक मान आप लोग कहाँ से लेकर के आते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि वास्तविक मान के लिए अपने क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं, या तो ए बार से लिख सकते हो या ए एम से लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं, इसका माध्य ज्ञात कर रहे हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको बताया आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ऐसे करते करते AN, और N से क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे। तो ये आपके पास में जो आ जाएगा वो कौन सा मान है, वास्तविक मान है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, परम त्रुटि ज्ञात करनी है। क्या करना है आपको, परम त्रुटि जो है वो ज्ञात करनी है। परम त्रुटि ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो आपका मध्य पाठ्यांक है या जो ए बार भी लिख सकते हो, इसमें से आप लोग क्या कर दोगे, जो आपका फर्स्ट पाठ्यांक है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और इससे जो आपका रिजल्ट आएगा ये आपके पास में क्या आएगा, परम त्रुटि आएगा। और यहाँ पर आप लोग क्या लगा दोगे, मोड लगा दोगे। ठीक है, मोड का निशान बना दोगे। देखो अब चाहे मान आपके पास में प्लस का है या माइनस का है, आप लोगों ने त्रुटि कर दी है तो उसे अपने काउंट करना है। देखो अपने क्या किया, आप लोगों को मैंने बताया था त्रुटि का क्या मतलब होता है, त्रुटि का मतलब क्या बताया था, त्रुटि का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि वास्तविक मान और माइनस मापित मान, यानी आपको क्या करना है, वास्तविक मान से मापित मान घटा देना है। वास्तविक मान कहाँ से लेकर के आना है आप लोगों को, जो आप लोग औसत निकालोगे
या जो आप लोग माध्य निकालोगे वही आपके पास में कौन सा मान होता है, वास्तविक मान होता है। तो आपको क्या करना है, वास्तविक मान में से जो आपकी रीडिंग आई उसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपके पास में क्या आ गई, परम त्रुटि आ गई। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ए टू ज्ञात करना है, ए एम में से आप क्या कर दोगे, ए टू को माइनस कर दोगे, आपके पास में ये आ जाएगा। फिर आप ए थ्री लोगे और इसे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, डेल ए थ्री आ जाएगा। और ऐसे करते करते आपके पास में क्या आ जाएगा, डेल ए एन आ जाएगा, डेल ए एन। और आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ए एम में से ए एन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो त्रुटियां आ गई, ये किस प्रकार की त्रुटियां आपको प्राप्त हुई है, परम त्रुटियां प्राप्त हुई है। यानी आप लोगों को परम त्रुटि के लिए क्या करना है, आपको जो औसत वाला मान है उसमें से A1 को A2 को A3 को और AN को लगातार माइनस कर देना है, तो आपके पास में डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, डेल ए फोर, डेल ए फाइव, डेल ए एन आ जाएगा। ये जो सारी त्रुटियां आप लोगों को प्राप्त हुई है, ये कौन सी त्रुटियां आप लोगों को प्राप्त हुई है, ये परम त्रुटियां आपको प्राप्त हुई है। अगर आपको बोला जाए कि आप लोग मध्य परम त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए, अगर आप लोगों को बोला जाए कि मध्य परम त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, तो मध्य परम त्रुटि का मान ज्ञात करना है। देखो नाम से ही पता लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है, परम त्रुटि लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, मध्य। यानी आपको परम त्रुटियों का क्या निकालना है, मध्य निकाल लेना है। परम त्रुटियों का जब आप लोग मध्य निकालोगे तो आपके पास में कौन सी त्रुटियाँ आ जाएगी, मध्य परम त्रुटियाँ आ जाएगी। ये आपके पास में कौन सी त्रुटि है, परम त्रुटियाँ हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री और डेल ए फोर, ठीक है। और एन से आप लोग क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, तो ये आपके पास में क्या आ गया, डेल ए बार आ गया, ठीक है। या आप इसे डेल ए एम भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में कौन सी त्रुटि आ गई, मध्य परम त्रुटि आ गई। मध्य परम त्रुटि के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि जो परम त्रुटि हम लोगों को प्राप्त हुई है, अगर परम त्रुटियों का मध्य निकाल लिया जाए तो उसे अपने क्या बोलते हैं, मध्य परम त्रुटियां बोलते हैं, ठीक है। और परम त्रुटियां कौन सी त्रुटियां होती है, वास्तविक मान से मापित मान को घटाने पर जो त्रुटियां प्राप्त होती है वो कौन सी त्रुटियां होती है, वो परम त्रुटियां अपने को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी त्रुटियां आ गई आपकी, मध्य परम त्रुटियां आ गई। इसे आप लोग या तो डेल ए बार से लिख दोगे, डेल ए बार से लिख दोगे, या क्या करोगे, डेल ए एम लिख दोगे, तो ये आपकी मध्य परम त्रुटि होती है। दूसरा अपने ये आ जाती है अपेक्षिक त्रुटि। दूसरी जो त्रुटि है वो किस प्रकार की है, वो अपेक्षिक त्रुटियां आ जाती है। देखो अपेक्षिक त्रुटि जो होती है ये अपने क्या होती है, अपेक्षिक त्रुटि का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अभी जो मध्य त्रुटि निकाली, फॉर्मूला होता है इसका, देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा अपेक्षिक त्रुटि बराबर मध्य परम त्रुटि और भाग लगा देना है आपको किससे, मध्य मान से आपको क्या कर देना है, भाग लगा देना है, ठीक है। तो आपकी जो अपेक्षिक त्रुटि है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से अपेक्षित त्रुटि, देखो मध्य परम त्रुटि आपके पास में क्या आई है, ये आई है डेल ए बार, या आप लोग इसे लिख सकते हो डेल ए एम। और किसका भाग लगा देना है, मध्य मान का भाग लगा देना है। मध्य मान आपके पास में कहाँ है, ये है, जिसे अपने वास्तविक मान बोलते हैं या मध्य मान बोलते हैं, ये कितना है, ए बार है, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गई, ये अपेक्षित त्रुटि आ गई। इसे आप लोग ये भी लिख सकते हो, या लगा के लिख देता हूँ, डेल ए एम बटा ए एम, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ जाती है, अपेक्षिक त्रुटि आ जाती है। अब अपने कौन सी त्रुटि बचती है, तीसरी बचती है अपने प्रतिशत त्रुटि। अगर आप लोगों को अपेक्षित त्रुटि का क्या निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, तो जैसे ही आप लोग अपेक्षित त्रुटि का प्रतिशत निकालोगे कौन सी त्रुटि बन जाएगी,
प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। यानी आप लोगों को क्या लिखना है, डेल ए बार गुणा 100, तो ये आपकी कौन सी त्रुटि आ जाती है, ये प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। या आप लोग लिख सकते हो डेल ए एम बटा, ये वाला फॉर्मूला जो है ए एम गुणा 100, तो ये आपके पास में कौन सी त्रुटि आ गई, ये आपके पास में अपेक्षित त्रुटि आ गई। फिर से देखिए, अपने पढ़ रहे हैं परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। एक तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो तीन प्रकार पढ़े हैं, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल, उनकी तुलना में ये जो पार्ट आपका रहता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगर यहाँ से दो तीन नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ज़्यादातर इसके अंदर से आपको कोई न्यूमेरिकल प्रश्न दिया जाता है या आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटियाँ क्या होती है, वर्णन कीजिए, तो आपको इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने बात की है परम त्रुटियों की, परम त्रुटियों के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में जितने पाठ्यांक आए हैं उन सब पाठ्यांकों को आपको जोड़ लेना है और एन से भाग लगा देना है, फिर आपके पास में क्या आएगा, वास्तविक मान आएगा। त्रुटि जो है, परम त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर क्या कहलाता है, परम त्रुटि कहलाती है। तो वास्तविक मान अपने ये है और जो अपने मापित मान है वो A1, A2, A3 होगा, इन सबको आपको घटा लेना है और आपके पास में जो ये त्रुटियाँ आएगी, कौन सी त्रुटियाँ आएगी, ये परम त्रुटियाँ आएगी। और फिर अपने मध्य परम त्रुटि की जब बात करेंगे तो इन सब त्रुटियों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, एन से डिवाइड कर देना है, कौन सी त्रुटि आ जाएगी, मध्य परम त्रुटि आ जाएगी। फिर अपने त्रुटि आती है अपेक्षित त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि का क्या मतलब है, मध्य परम त्रुटि और मध्य मान दोनों का जो अनुपात आएगा उसे अपने क्या कहेंगे, उसे अपनी अपेक्षित त्रुटि कहेंगे। ठीक है, और अपेक्षित त्रुटि निकालने के लिए या तो आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो या फिर ये फॉर्मूला आप लोग काम में ले सकते हो। और लास्ट अपने कौन सी त्रुटि आती है, प्रतिशत त्रुटि आती है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपेक्षित त्रुटि को, तो कौन सी त्रुटि प्राप्त हो जाएगी आप लोगों को, अपेक्ष ये प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अपने जैसे आपके पास में कोई न्यूमेरिकल आ गया, आपको कुछ एक संख्याएँ दे दे, यहीं पर बता रहा हूँ आपको, आप लोग करके देखना खुद, अगर आपको कोई संख्याएँ दे दे, जैसे आपको बता दे कि आपने किसी का मापन किया और आपके पास में इस प्रकार के मान आ रहे हैं 1.532, 1.542, 1.535, 1.564, 1.536 लिख देता हूँ। ठीक है, आपके पास में ये 5 रीडिंग अगर आपको दे दे तो टोटल आपने आपको कितनी रीडिंग दी, इसने 5 रीडिंग दी है, और आपको ये देखकर के पूछा जाएगा, आपको कुछ इस प्रकार से बोला जाएगा कि आपने किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का आपने क्या किया है, मापन किया, यानी किसी राशि का आप लोगों ने क्या कर लिया, मापन कर लिया। और राशि का मापन करने पर आपके पास में जो पाठ्यांक आ रहे हैं, राशि का मापन करने के बाद में आपके पास जो पाठ्यांक आ रहे हैं वो पाठ्यांक कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं 1.532, 1.542, 1.535, 1.564, 1.536, ये आपके पास में क्या आ रहे हैं, पाठ्यांक आ रहे हैं। ज्ञात कीजिए परम त्रुटि, मध्य परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए, और आपको 3 या 4 नंबर का यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो सामने लिखा हुआ है उसी के अंदर आपको वैल्यूज़ रखते जाने हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, सबसे पहले आप लोगों को ज्ञात करना होता है वास्तविक मान, कौन सा मान ज्ञात करना होता है परम त्रुटि के लिए, वास्तविक मान। वास्तविक मान आप लोग कहाँ से निकालोगे, इन 500 को जोड़ दो। ठीक है, इन 500 को जो 5 संख्याएँ दी गई आपने जोड़ दिया, और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, ये देखो फॉर्मूला इसका, 500 संख्याओं या 500 संख्याओं को रखोगे और 5 से क्या करोगे, भाग लगाओगे, यहाँ n संख्या है और n से क्या दिया है, भाग दिया, उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा। सुनना फिर से, 500 संख्याओं को जोड़ना है, 5 से आपको क्या देना है, भाग देना है, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा। इसका जो भी वास्तविक मान आप लोगों को प्राप्त हो उसमें से आपको क्या करता जाना है, इन 500 संख्याओं को घटाते जाना है। जैसे ही आपको वास्तविक मान प्राप्त हुआ है उसे आप यहाँ रख दोगे, उसमें से आप A1 यानी इसे घटा दोगे, फिर आप इसे घटा दोगे, इसे घटा दोगे, लगातार घटा दोगे, तो इस साइड जो मान लिखे हैं वो सारे मान आपको मिल जाएंगे, यानी आपके पास में कौन सी त्रुटि आ जाएगी, परम त्रुटि आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इन्हें जोड़ा, मान लिया, मान रहा हूँ कि आपके पास में कितना आ रहा है, ये कोई संख्या आ रही है। ठीक है, आपके पास में जो XYZ लिखा है मैंने, ये आपके पास में क्या आ गया, वास्तविक मान आ गया। इस वास्तविक मान से आपको फिर क्या कर देना है, इसे घटा देना है, वो प्लस का है या माइनस का है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्लस का ही लेना है, इसे घटा देना है, लगातार घटाते जाना, और आपके पास में जो त्रुटि आ जाएगी वो किस प्रकार की आ जाएगी, परम त्रुटि आ जाएगी। इस साइड जो भी मान आपके पास में आए उनका फिर से औसत निकाल लेना,
आपके पास में क्या आ जाएगी, मध्य परम त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। और मध्य परम त्रुटि में इसके मध्य का भाग लगाते ही अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी, और उसे आप लोग क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास में कौन सी त्रुटि आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको ये 500 संख्याएँ लेनी है, इनको इस फॉर्मूले के अंदर रख देना है पाँचों को, और पाँच से आप लोगों को इसे डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, वास्तविक मान आ जाएगा, ठीक है। जब भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए है वो एग्जांपल साथ में लेकर के ये त्रुटियाँ जो है वो ज्ञात करनी आपको बताऊँगा। पर एक काम आप ये ज़रूर कर लेना, ये आप लोग एग्जाम्पल लेना 500 संख्याओं का, और इसकी सहायता से आप लोग वास्तविक मान यानी आप लोगों को